इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट इंडीज दौरे से पहले टीम इंडिया को एक झटका लगा है। बैंगलोर में प्रैक्टिस सेशन में स्पिनर अश्विन की कलाई में चोट लग गई है। अश्विन बैटिंग कर रहे थे तभी शमी की गेंद पर चोटिल हो गए, गेंद उनकी कलाई में लगी है। आर अश्विन बैटिंग करते वक्त चोटिल हो गए, मोहम्मद शमी की गेंद उनकी कलाई में लग गई। चेतन चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चेतन जी, एक बड़ी खबर खासकर ये देखते हुए कि आर अश्विन का बहुत बड़ा रोल है टीम में। अब देखना पड़ेगा ना कि कितनी गंभीर है जो चोट है, क्योंकि अभी टूर के अंदर अभी भी दिन है, 3 हफ्ते का समय है। 21 तारीख को पहला टेस्ट मैच शुरू है तो अभी भी समय है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये फ्रैक्चर है, कितना बड़ा फ्रैक्चर है, बिल्कुल माइनर है, बिल्कुल हेयरलाइन है, और ये सारी कुछ उसके ऊपर होगा तो ही मैं समझता हूँ कि सेलेक्टर्स पूछा कोई निर्णय ले पाएंगे। लेकिन यदि चोट गंभीर होती है और उनको यदि 6 हफ्ते के लिए बाहर रखा जाता है तो फिर मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जो भी टीम जाए मेरा मानना है वो पूरी टीम फिट होनी चाहिए। अगर 16 प्लेयर जा रहे हैं तो पूरे 16 प्लेयर फिट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम इंतजार करें किसी की फिटनेस का, किसी का तो विकल्प है सेलेक्टर्स के पास, या तो हरभजन सिंह को वापस बुलाया जा सकता है या फिर रसूल जो ऑफ स्पिन बॉलर है जम्मू कश्मीर के, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको बुलाया जा सकता है, तो विकल्प है सेलेक्टर्स के पास है। लेकिन अगर बात की जाए तो ये एक सवाल नहीं खड़े करता कि आखिर किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे, खासकर प्रैक्टिस सेशन में भी पूरी तरीके से गियर्ड अप होना चाहिए, ऐसे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी जब ये चोट लग गई? नहीं नहीं, ये तो एक्सीडेंट होते हैं, ये तो देखिए हार्ड बॉल है क्रिकेट की, जो है फुटबॉल तो है नहीं या वॉलीबॉल नहीं है, ये तो हार्ड बॉल का गेम है, इसमें तो चोट लगती है और चोट लगना जो है पार्ट ऑफ द गेम, वो तो आप वेस्ट इंडीज में जाएंगे तो नेट में वहाँ पर भी लग सकती है, तो किसी के भी लग जाती है बॉल, तो ये मुझे नहीं लगता ये कोई गंभीर बात है या कोई चूक है या किसी प्रकार की कोई गलती है। और दीज आर एक्सीडेंट है, नहीं हार्ड बॉल गेम तो फिर चोट तो लगते रहती है और प्लेयर जो है वो ठीक भी हो जाते हैं, उससे उभर कर भी आ जाते हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि ये चोट कितनी गंभीर है और कितने समय तक के लिए उनको खेल से और क्रिकेट से बाहर रहना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। आर अश्विन के कलाई में चोट लग गई है मोहम्मद शमी की गेंद पर। चिंता का विषय यह है कि आर अश्विन को जो चोट लगी है वो कितनी गंभीर है, खासकर यह देखते हुए कि क्या अब मोहम्मद शमी वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जा पाएंगे, ये सवाल है।